के पंडो के पास मौजूद हूँ। और फिलहाल जो पिछले 72 घंटे पहले जो तबाही मची थी उसके जो निशान है वो पीछे छोड़ गया। फिलहाल जिस जगह पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिटेनिंग वॉल है, इस रिटेनिंग वॉल को क्रॉस करके जो पानी है वो यहाँ पर जो लोग हैं लोगों के घरों में जाकर घुसा था, जिससे यहाँ के जो आम लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका मेरा तरुण सिंह। और क्या हुआ था यहाँ पर? कोई प्रशासनिक तरफ से कोई मदद मिली है? नहीं, कोई मदद मिली अभी तक कुछ नहीं मिला। हमारे जो पहने कपड़े वही है, हमारे पास माँ के पास भी, मेरे पास भी। माँ 80 साल की है और आँख में दिखाई नहीं देता, कान में सुनाई नहीं देता उनको, और मैं और माँ ही रहते हैं। पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो पानी 7 7.25 बजे के बीच में पानी आया। मैं माँ को उठाया, सामान पकड़ो तो मार उड़ जाता है, माँ को पकड़ा तो सामान उड़ गया। फिर माँ को उठाया, मैंने निकल गया बाहर को पटापट, फिर बाकी इतने पानी आ गया, दरवाजा टूट गया, ऐसे पानी पानी हो गया, ये सब उड़ गया, सारा सामान उड़ गया। छोटे से कमरे में एक परिवार है वो रहता था। पिछले 40 से 45 सालों से यहीं पर ये परिवार है, वो अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जिस तरह से तबाही आई है, तबाही के बाद सिर्फ और सिर्फ पीछे है तो सिर्फ दर्द रह गए। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पे इनके इस जगह के रहने का, और साफ तौर पर यही कहना है कि ये इलीगल इन्होंने एक्वायर जगह कर रखी है। क्या नहीं, सरकार की तरफ से कोई आया था जिन्होंने ये कहा था कि आपकी मदद करेंगे? सरकारी वाले आए जरूर है जी, वो बोल रहे हैं भी आपकी नजायज जगह है, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, तो भी जो अपने मलकीत जगह होती तो आपको देते। जो जनाब मेरी तो सारी बच्चे हैं, एक बड़ा वाला बेटा है वो लंगड़ा है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लंगड़ा है, बड़े वाला वो रेड़ी लगाता है, सारा रेड़ी का सामान रखा था वो भी रुड़ गया। कोई गवर्नमेंट के आए जो दौरा सारे करके आए जनाब, बाहर से मंडी से रामस्वरूप भी आया, किसी ने हेल्प किसी ने नहीं की। ना कपड़ा है ना सामान है, और मदद की सिर्फ दरकार है कि कोई प्रशासनिक तौर पर या फिर सरकार की तरफ से कोई आए, इनकी मदद करे, जिससे इनकी जो जिंदगी है वो वापस पटरी पे आ जाए।